खमा गणी हुकम। आज हम आपको बताएंगे कि लौकी का जो हलवा होता है वो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक पूरी लौकी ली है, एक बड़ी लौकी थी ये, और थोड़ी मोटी लेनी चाहिए जिससे कि हलवा अच्छा बनता है। पतली लौकी से अच्छा नहीं बनता इतना, जितना मोटी लौकी लेने से हलवा अच्छा बनेगा। तो इसके बाद आप इस मतलब लौकी को है ना छील ले अच्छे से, पूरे सब तरफ से छील ले इसको पूरा, और जो भी है दोनों इसको टुकड़े में करके आप छीले, और इसके ऊपर से सारा ये हटा दे इसका छिलका, और उसके बाद में इसको कटिंग करके और अपन आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। फिर इसके कटिंग करने के बाद में इसके अंदर का जो भी होता है बीज वगैरह वो सब बाहर निकाल देंगे, और इसको पूरा साफ़ कर देंगे, और फिर इसके टुकड़े करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने सारा ये अंदर से बाहर निकाल दिया है बीज वगैरह, और अब हम इसको कसना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने एक किसनी ले ली है और इसको किसेंगे, और देखो कैसे हम सारे इस सारी लौकी को चार टुकड़े पांच टुकड़े जितने करके आप इनको छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इनको किसते हैं, और इसी तरह हमने सारे लौकी को किस दिया है। किसने के बाद हम आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको सारा समझाते जाएंगे कि कैसे ये लौकी का हलवा हम बनाएंगे। और ये लौकी का हलवा बहुत अच्छा बनता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आपको पता ही है लौकी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। और उसके बाद में हमने ये सारी लौकी को इस तरह से किस दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको सब प्रोसेस एक 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 हम समझाएंगे अच्छे से, और आप भी अपने घर पर बनाएं इस तरीके से। और उसके बाद हम इस सारे लौकी को एक कढ़ाई लेंगे, और उस कढ़ाई को गैस के ऊपर रख के और उसके अंदर फिर हम घी डालेंगे। घी आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, घी कितनी आप लौकी ले रहे हो उसके हिसाब से। हमने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग, बड़े चम्मच के लगभग घी डाला है। तो इसकी घी डालने के बाद में इसको पूरा पिघलने दे, पूरा अच्छे से ये पिघल जाए। उसके बाद में आपको इसके अंदर लौकी डालनी है, सारी लौकी को इसके अंदर डाल दें, और सारी लौकी हमने इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद में इसको हिलाएंगे, थोड़ा अच्छे से हिलाना है, और इसको पूरा घी में फ्राई करना है। घी में इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्राई करें। 15 से 20 मिनट फ्राई करने के बाद में क्या होगा कि ये पूरी सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी आपको ये लाइट कलर में दिख रही होगी, थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा जब ये पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें हमने अच्छा घी डाला है, और इस पूरे घी में ये अच्छे से हम इसको पकाएंगे। और अभी आपको थोड़ी देर बाद में हम वीडियो में दिखाएंगे कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। और 15 से 20 मिनट आपको ये पकाना है, तो आप टाइम का ध्यान रखें कितने टाइम के लिए इसको पकाना है। तो और ये लौकी पानी भी छोड़ेगी, तो वो पानी पूरा सूख जाए पक जाए तब आप इसमें आगे जो भी डालना है वो बाद में डालें। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी छोड़ा था लौकी ने, तो वो पानी भी अभी पूरा सोख लिया और पानी सूख गया है। तो उसके बाद हम आगे अभी दूध डालेंगे इसमें। तो आप देख लीजिए सारी पक गई है लौकी, घी के साथ में हमने इसको फ्राई किया 15 से 20 मिनट, और ये पूरा। और अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध आपके हिसाब से आप डालना चाहे जितना आपको पसंद है उतना डालें। हमने इसमें 2 ग्लास दूध डाला है, और फिर ये सारा दूध जब पूरा पक जाएगा तब आगे और प्रोसेसिंग करेंगे। तो आपको ये दूध के साथ में इसको पकाना है। अभी ये वैसे घी के साथ में पूरी पक चुकी है, और दूध के साथ में भी अभी थोड़ी देर इसको 10 से 15 मिनट इसको पकने में लगते हैं। तो ये दूध पूरा जब पक जाएगा और पूरा सोख लेगा, आप देख सकते हैं कितना ये 10 मिनट के बाद में हमने देखा था तो ये ऐसा लग रहा था। तो आगे जब थोड़ी देर 10 मिनट और रखते हैं तो ये पूरा पक जाता है दूध। दूध पकने के बाद ही हमको इसमें शक्कर डालनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे ये पूरा वाइट वाइट हो गया दूध, दूध की वजह से ये सब मलाई जैसा हो जाता है, और ये अच्छा टेस्ट आता है दूध डालने से। अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो आप मत डालें, ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर आप आपके अकॉर्डिंग डालें। हमने यहाँ एक लौकी ली थी उसके हिसाब से शक्कर डाल दी है, और ये शक्कर भी पानी छोड़ेगी, तो ये पूरा पानी पूरा सोख ले, पूरा सूख जाए, तो उसके बाद
ये हलवा पक जाएगा और ये हलवा घी छोड़ने लग जाएगा। तो जब हलवा पूरा पक जाएगा तो ये घी छोड़ेगा। तो अभी तो आप देख सकते हैं इसमें पानी है थोड़ा, ये पानी शक्कर के कारण आया है, और लौकी में होता है पानी थोड़ा दूध का होता है। और ये सारा पानी पक जाएगा तब हलवा पूरी तरह से पक जाए। इसमें अभी 15 से 20 मिनट 25 मिनट भी लग सकते हैं, तो उसके बाद में ये हलवा पूरी तरह से। ये देखिए आप अभी 15-20 मिनट के बाद हमने आपको वापस दिखा रहे हैं कि पूरा पक गया है और ये लगभग घी छोड़ने लग गया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये पूरा अच्छे से पक गया है और ये पूरा कलर भी इसका चेंज हो गया है। दूध के कारण भी इसका मलाई जैसा टेस्ट आएगा, आपको अच्छा टेस्ट आएगा। और ये आप कभी भी बना के खा सकते हैं। अभी ख़ास तौर पे लौकी का सीज़न है, तो अभी आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। और देखिए ये पूरा कितना अच्छे से तैयार हो गया है, और घी देखो पूरा साइड से निकल रहा है। मैंने आपको पूरा वीडियो में अच्छे से दिखाया है, ये देखो। ठीक है, थैंक यू ओकम, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।